नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, 12th 8th का बच्चा है रोहित खुशवा, उसने ये क्वेश्चन सेंड किया है। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एक इनफाइनाइट सिलेंडर दिया है आपको, ठीक है। इनफाइनाइट सिलेंडर का रेडियस है R, ठीक है, और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, और इसके एक्सिस पे एक स्फेरिकल कैविटी बनाई गई है जिसका रेडियस है R/2, और इसके एक्सिस से 2R डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 23ρr/16kε₀। ये P का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मतलब कि सिलेंडर के अंदर से इस स्फीयर को कट करके रिमूव कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा, उस रिमेनिंग पार्ट की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू ये है। तो वी हैव टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ K, ठीक है। सिंपल बेटा, सिलेंडर की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। इनफाइनाइट सिलेंडर की वजह से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लेंथ अपॉन में 2πε₀r होते हैं, r का वैल्यू हो जाएगा 2r, ठीक है। फिर स्फीयर की वजह से आउटसाइड में आपको पता है स्फीयर कैसे वर्क करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो KQ/r², तो सिलेंडर में से ये स्फीयर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग का फील्ड आ जाएगा, तो सिलेंडर माइनस कंप्लीट में से स्फेरिकल कैविटी का फील्ड माइनस कर देते हैं। अब देखो रिमेनिंग कंप्लीट का कितना है, लैम्ब्डा अपॉन में 2πε₀ 2r। स्फेरिकल कैविटी का कितना है, के का वैल्यू पुट कर ले 1/4πε₀Q/r², ठीक है, तो हो जाएगा 1/4πε₀Q/r², ठीक है। अब r का वैल्यू तो 2r हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें लैम्ब्डा कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें रो गिवन है और हमें क्यू कैलकुलेट करना है। अभी आ जाओ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है Q/V, तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, चार्ज हो जाएगा ρ/V। वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का, πr² L, और L इधर आ जाएगा, Q/L क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा, तो लैम्ब्डा को पुट कर सकते हैं ρ πr². फिर इसके अंदर कितना चार्ज होगा वो यहाँ से निकाल लेंगे, Q को ρ/V लिख सकता हूँ, ρ/V, और इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4π3πr³, रेडियस कितना है r/2, तो यहाँ से ये इसका चार्ज आ जाएगा, तो Q का वैल्यू आ गया आपके पास, लैम्ब्डा का वैल्यू आ गया, ठीक है। पुट कर दो बेटा, लैम्ब्डा का वैल्यू कितना है, ये ρ πr², तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4πε₀r। Q का वैल्यू पुट कर दो, ये रहा, कैंसिल भी कर लो यहाँ 2 पे, तो कितना आ जाएगा 1/4πε₀, क्यों हो जाएगा ρ πr³, 3/2 हो जाएगा 8, और r का वैल्यू हो जाएगा 2r, 2r का स्क्वायर करेंगे 4r², जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, एक r कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल, r बच जाएगा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, 3×2 6 आएगा, ठीक है, तो ρ πr³ 3×2 6, और इस r का वैल्यू 2r² 4r², ठीक है। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, ρ πr कॉमन आ जाएगा, ρ πr ऊपर भी है, अपन में 4πε₀ कॉमन आ रहा है, यह बच जाएगा 1 − 6×4 = 24, कितना हो जाएगा ρ πr 4πε₀ 23/24। और ये जो रिमेनिंग फील्ड है ये भी दिया है, कितना दे रखा है, ये दे रखा 23ρr/16kε₀, ये के 4πε₀ नहीं है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देख लो, ρr से ρr, ठीक है, पाई से पाई, 23 से 23, ε₀ से ε₀, क्या बचेगा 1/16 के, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई
की अपॉन मी है, ठीक, 4 इंटू दिस। तो बेटा के उधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, ये जाएगा 4 इंटू 24 अपॉन मी 16 इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा 4 पे, ये हो जाएगा 6 पे, k का वैल्यू आ जाएगा 6। ये आईआईटी में क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना, कंप्लीट सिलेंडर के फील्ड में से स्फीयर का फील्ड माइनस कर देना तो वो फील्ड आ जाएगा, और उस फील्ड का वैल्यू दे रखा है इसके इक्वेट कर देना, k का वैल्यू निकल जाएगा। सिलेंडर के लिए फॉर्मूला गॉस थ्योरम में प्रूव किया था, और आउटसाइड स्फीयर हो या शेल हो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, चार्ज निकाल लेंगे रो की हेल्प से और लैम्डा रो में रिलेशन बनाना पड़ेगा। ओके okay?